अल्लाह ताला के कलाम ने, कुरान ने मेरी तायीद की। तीन बातें ऐसी थी कि मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा करता था और जब मेरी ख्वाहिश होती थी, और फिर जैसे मैंने कहा अल्लाह ताला ने वैसे ही अल्फाज देकर जिब्राईल अमीन को आसमान से उतारा और वो चीज़ इस्लाम का हिस्सा बनी। उसमें से एक चीज़ कहा करते थे जिसको मकाम इब्राहिम कहते हैं। आपने देखा होगा कि खाना काबा के दरवाज़े के बाहर एक जगह है, तो कहते हैं कि मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया था कि लो इत्तखज़ना मकाम इब्राहिम मुसल्ला, कि या रसूल, अगर हम इसको मुसल्ला बनाए मकाम इब्राहिम को। तो बैन ही यही आयात नाजिल हुई कुरान पाक की, वत्तखज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, के मकाम इब्राहिम को जो है वो मुसल्ला बनाया जाए। कहते हैं ये अल्लाह ताला ने मेरे दिल के अंदर डाला और वही की वही आयात नाजिल हुई। कहने लगे ये जो हिजाब है, पर्दा है, मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूल अल्लाह, आपके घर के अंदर, उसमें पर्दे के अहकाम नहीं आए थे, कहा कि आपके घर के अंदर लोग आते जाते हैं और उसमें हर किस्म के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बाज़ इतने नेक भी होते हैं, कुछ कम नेक भी होते हैं। तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बड़ा ग्रां गुजरता था कि ये लोग हुजूर के घर में, हुजूर के पास आते जाते हैं और पर्दे के अहकाम अभी नाजिल नहीं हुए। तो गैरत थी आपकी तबीयत के अंदर बहुत ज़्यादा, इसीलिए एक दफ़ा रात को हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिस तरह ख़वातीन बाहर जाती थी उस ज़माने में, घरों के अंदर बैतुलखला नहीं होते थे, तो हज़रत उमर फ़ारूक ने कहीं उनको देख लिया, तो सिर्फ इसलिए कि चूंकि ये बाहर निकलती हैं तो ये ना निकलें या कोई घर में इनके लिए बंदोबस्त किया जाए, तो आवाज़ भी लगाई उनसे, कहा कि मैंने आपको पहचान लिया है कि आप सौदा हैं, मतलब ये कि आप ना निकला करें इस वक्त के अंदर बाहर। तो कहते हैं ये मैं हुजूर से कहा करता था हर वक्त कि इस पर कोई, लेकिन नबी तो अपनी तरफ से कोई बात नहीं करता ना, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, नबी तो इंतज़ार करता है कि आसमानों से हिदायत आ जाए। तो कहते हैं कि ये मैं कहता रहा यहाँ तक कि अल्लाह पाक ने आसमान से आयत हिजाब नाजिल फरमा दी। तीसरी बात ये फरमाते हैं कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अजवाज मुतहरात से कुछ वक्त के लिए नाराज़ हुए थे, तो मैं ये हज़रत उमर भी घर गए थे, इनकी बेटी भी हुजूर के हरम में थी, हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बकर की बेटी भी थी। तो कहते हैं मैंने इनसे कहा, इन ख़वातीन से कहा कि मुझे जब पता चला कि हुजूर नाराज़ हैं, तो मैं इन ख़वातीन से जाकर मैंने कहा कि आसा रब्बुहु इन तल्लक़कुन्ना अन युबदिलहु अज़वाजन खैरम मिनकुन्ना, कि हो सकता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम सबको तलाक़ दे दी, तो यकीनन या आसा यकीनन के मानों में तो अल्लाह ताला तुम सब से बहुत ही बेहतर बीवियाँ उनको अता फ़रमा देंगे। कहते हैं ये मैंने उनको नसीहत के तौर पर कहा और फिर बयान ही यही आयात कुरान के अंदर नाजिल हो गई, आसा रब्बुहु इन तल्लक़कुन्ना अन युबदिलहु अज़वाजन, सूरह तहरीम की आयात। ये पहले उम्र फ़ारूक की ज़बान पर जारी हुई हैं, उसके बाद वही आयात जिब्राईल अमीन लेकर आसमानों से उतरे। ये ऐसी अजीब व गरीब मुआफ़क़त, और इसको अपने फ़ख्र और अपने शरफ़ के अंदर गिना करते थे और कहते थे कि अल्लाह ताला ने तीन मौक़ों के ऊपर अल्लाह के कलाम ने मेरी मुआफ़क़त की है। इसके और भी मौक़े हैं, एक वो मौका ख़ास बहुत मशहूर है जो ग़ज़वे बदर के जो क़ैदी थे उनके बारे में, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा मांगा था। आप ख़ुद तो रहमतुलिल आलमीन थे, आपने कहा कि आपकी अपना रुझान ये था कि माफ़ कर दिया जाए। पूछा अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, बुलाया क्या किया जाए। अबू बकर ने भी फरमाया रसूलल्लाह माफ़ कर दें, वो बड़े नेक तबीयत के अंदर नरमी का गलबा था, कहा कि माफ़ कर दें और हमारे कल मुसलमान हो जाएंगे, हमारे दस्तो बाजू बनेंगे। उमर फ़ारूक से पूछा क्या किया जाए, कहा कि इन सब को कत्ल किया जाए, और कत्ल भी खुद सिर्फ हर बंदा ना करे बल्कि हर एक का रिश्तेदार दूसरे को दिया जाए, मुझे मेरा रिश्तेदार दिया जाए, फलाने को फलाने का रिश्तेदार दिया जाए, और आज हम ये साबित कर दें कि इस्लाम के आने के बाद रिश्तेदारियां हमारी निगाहों के अंदर अगर वो इस्लाम के साथ टकराएंगी और हुजूर की दुश्मनी के ऊपर के साथ जो रिश्तेदारी आएगी वो रिश्तेदारी हमारे रास्ते की रुकावट नहीं बनेगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक़ के मशवरे पर अमल किया, उसके ऊपर कुरान की आयात नाजिल हुई। अल्लाह ताला ने, अल्लाह की मंशा वही थी जो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अल्फाज थे और उसके बच्चों के, लेकिन चूंकि मशवरे में तय हुआ था इसलिए इसके ऊपर कोई एताब नहीं हुआ, तंबीह ज़रूर आई थी। तो एक रिवायत सैयदना काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है और वो फरमाते हैं कि قال رسول الله صلى الله عليه وسلم कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया قال لي جبريل कि मुझे जिब्राइल ने कहा कि ليبكي الاسلام على موت عمر कि उस उमर की मौत पर इस्लाम रोएगा। अजीब अल्फाज हैं, यानी लोग नहीं, हाँ हुजूर की ज़िंदगी में अभी उमर की ना खिलाफत का दौर आया ना कुछ और आया, ليبكي الاسلام على موت عمر कि उमर की मौत पर, उमर की शहादत पर इस्लाम रोएगा। ये फ़ज़ाइल, ये मनाकिब जिसकी कोई इंतहा नहीं अगर बयान किए जाएं,
ایک ایک چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور جنت کے اندر ان کا گھر دیکھا، شیطان کا ان سے بدکنا بتایا.